नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकल न्यूज पर। मशीन इंसान की बराबरी नहीं कर सकती है, हमने कितनी बार इस वाक्य को सुना है। लेकिन मशीन आया है जो आपको एक इंसान की तरह सलाह दे सकता है, आपकी नौकरी के लिए कवर लेटर लिख सकता है, अपने प्रेमिका को कौन सा गिफ्ट देना है इसकी सलाह दे सकता है। ये मशीन है ChatGPT। सर्च इंजन की दुनिया में गूगल अकेला बेताज बादशाह बना हुआ है। दुनिया भर में सर्च इंजन मार्केट में गूगल का ही कब्जा है, लेकिन अब गूगल को ChatGPT से जोरदार टक्कर मिलती दिख रही है। कम समय में ChatGPT के इतने यूजर बढ़े हैं कि कई नए यूजर को साइन अप करने में दिक्कत आ रही है। हम आपको एक डेटा बताते हैं, नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर पहुंचने में 3.5 साल लगे थे, Airbnb को 2.5 साल, Facebook को 10 महीने, Spotify को 5 महीने, Instagram को 2.5 महीने, iPhone को 74 दिन और ChatGPT को 1 मिलियन यूजर पहुंचने में मात्र 5 दिन ही लगे। दरअसल ChatGPT को नए जमाने का सर्च इंजन प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है, जो कि गूगल से आगे सर्च इंजन की दुनिया है। अब आपको बताते हैं ChatGPT क्या है। ChatGPT का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ChatGPT एक AI चैट बॉट ऑल्टरनेटिव सिस्टम है जो ऑनलाइन कस्टमर केयर के लिए क्रिएट किया जाता है। ये एक प्री ट्रेंड जनरेटिव चैट है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरह यूज किया जाता है। आपको बताते हैं क्या कर सकता है ये ChatGPT। ChatGPT सबसे अधिक फेमस एक AI पर आधारित प्रोग्राम है जो डायलॉग जनरेट के लिए उपयोग किया जाता है। इसके चैट बॉक्स में लैंग्वेज बेस्ड मॉडल कन्वर्सेशन को ह्यूमन के ट्यून के साथ इंटरैक्शन डेवलप कर देता है। इसके डेटा का सोर्स टेक्स्ट बुक, वेबसाइट्स और आर्टिकल्स हैं जो मॉडल द्वारा अपनी भाषा में इंसान से इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चैट बॉट सवालों के जवाब बिल्कुल सही और सटीक भाषा में देता है। ChatGPT अंग्रेजी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, हालांकि जल्द ही इसमें ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का सपोर्ट दिया जाएगा। ये गूगल जैसे सवाल के जवाब में सैकड़ों हजारों वेबसाइट के लिंक नहीं पेश करता है, ChatGPT सवाल का सीधा जवाब देता है। अब आपको ChatGPT के फीचर्स बताते हैं। कहा जा रहा है कि ChatGPT आपकी लीव एप्लीकेशन से लेकर वीडियो स्क्रिप्ट तक लिख सकता है। ChatGPT के द्वारा आपको निबंध, कवर लेटर, बायोग्राफी, छुट्टी के एप्लीकेशन इत्यादि लिख के दिया जा सकता है। कंटेंट, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको जो भी प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर आपको रियल टाइम में प्राप्त होता है। ChatGPT की सबसे बढ़िया विशेषता तो यही है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये पूरी तरह से फ्री है। बायोग्राफी एप्लीकेशन इससे आदि आप इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। ChatGPT का उपयोग सामग्री उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जैसे समाचार का लेख, सोशल मीडिया की पोस्ट और बहुत कुछ। ChatGPT का उपयोग आप एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए भी कर सकते हैं। ChatGPT का उपयोग क्रिएटिव टेक्स्ट जैसे कि कहानियां या कविताएं लिखने के लिए कर सकते हैं। ChatGPT का उपयोग करके लंबे दस्तावेजों या लेखों का सारांश बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं ChatGPT की शुरुआत कब से हुई। ChatGPT की इसकी शुरुआत सन 2015 में सैम एल्टमैन और एलन मस्क द्वारा की गई थी। तब ChatGPT एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। फिर कुछ समय के बाद एलन मस्क ने इस कंपनी को छोड़ दिया था। फिर इस कंपनी में बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ChatGPT में रुचि दिखाई और इस कंपनी ने निवेश किया। इस टूल को 30 नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इतना पॉपुलर हो चुका है कि वर्तमान समय में इसके यूजर्स 2 मिलियन से भी अधिक हो चुके हैं। आपको बता दें, जो भी लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, सबसे पहले वो ब्राउजर ओपन करेंगे और ओपन AI या ChatGPT लिखकर सर्च करेंगे। उसके बाद आप आधिकारिक वेबसाइट chat.openai.com पर लॉगिन कर वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप लॉगिन और साइन अप के 2 विकल्प देखेंगे। पहली बार इस्तेमाल करने की स्थिति में आपको साइन अप करना होगा, जिसके लिए आपका गूगल अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप आसानी से ChatGPT इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको अकाउंट बनाना होगा। वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका खाता
चैट जीपीटी पर पूरी तरह से बन जाता है और फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के समय में आप बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और मुफ्त में इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर खाता भी बना सकते हैं। ये गूगल सर्च को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके जवाब दे पाने की सीमा है और ये ज्यादा विकल्प नहीं देता है। इसकी ट्रेनिंग 2022 की शुरुआत में ही खत्म हो गई थी, इसलिए आपको इसके बाद की घटनाओं या डेटा के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। चैट जीपीटी का कहना है कि जो जवाब वो दे रहा है उसने उनको खुद से वेरीफाई नहीं किया है, उसको जिस डेटा के हिसाब से ट्रेनिंग मिली है वो उसी में जवाब देता है। ऐसे में आप इस जानकारी की सच्चाई अपने स्तर पर जांच करके तसल्ली कर लें। अब आप बताते हैं चैट जीपीटी से नुकसान क्या है। चैट जीपीटी आने वाली इंसानी नौकरी खतरे में आ सकती है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम केवल इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जवाब एकदम सटीक नहीं होते, इससे 2022 के बाद की घटनाओं या डेटा के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्या आप इस नए टेक्नोलॉजी को लेकर उत्साहित हैं और इस वीडियो को देखने के बाद इसका यूज करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।